हेलो मेरे फैशन डिज़ाइनर, मेरे मर्चेंडाइजर, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है ना, वो बहुत दिनों से पेंडिंग टॉपिक चल रहा था, इस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वो टॉपिक है क्यूसी। क्यूसी क्या होता है, क्यूसी का कैरियर अच्छा है या नहीं, अगर आप एक क्यूसी बनना चाहते हैं तो क्या इसमें कैरियर ग्रोथ है या नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ बताएंगे। और क्यूसी का क्या रोल होता है एक गारमेंट की फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में उनका क्या रोल होता है, वो सब कुछ। मैं कोई क्यूसी नहीं हूँ, ठीक है, मैं क्यूसी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्यूसी से काम मैंने किया है, क्यूसी के साथ हमारा पूरा काम ही होता है, तो इसलिए मैं उनकी जो इम्पॉर्टेंट होती है, जो उनकी इम्पॉर्टेंस होती है, उसको बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ और जानती हूँ। इसलिए आज ये टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, डेली आ रही थी, और ये जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है वो आरती राठौर ने किया है। थैंक यू सो मच। और मुझे ये पहले तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा कि क्यूसी के बारे में किसी लड़की ने ये जानना चाहा है। मुझे नहीं पता उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप क्यूसी में कैरियर बनाना चाहते हो या जस्ट आप इन्फॉर्मेशन के लिए चाहते हो, ये नहीं पता। लेकिन आज मैं आपको एक क्यूसी के लिए, अगर आप कैरियर ऑप्शन सोच रहे हो, तो भी आज थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी पर्सनली, मेरी तरफ से जो सजेशन होगा आप लोगों के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और उसके पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो अपने फीडबैक भी आप लोग ज़रूर देना। देते हो आप लोग, उसको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना फीडबैक देते हो और इतने प्यारे प्यारे फीडबैक देते हो ना कि मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मैंने काम स्टार्ट करने के लिए सोचा था ना, आज मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और पहले तो मैं पर्सनली इसके बारे में क्या मैं सोचती हूँ, सबका क्या रिएक्शन है, वो कभी डिस्कस करूँगी। तो फीडबैक आप लोग देना और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जो मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड टॉपिक पे जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, वो साल दो साल काम करते जा रहे हैं, उनको कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। एक मर्चेंडाइजर को एक हवा बना के रखा हुआ है, उन सब तक ये वीडियो पहुँचे और सबको हेल्प हो सके बिना किसी टेंशन के। हाय हाय, हमारी वैदेही भी आ गई है वीडियो में, बहुत परेशान कर रही, तो चलो जाओ गो। तो सबसे नंबर एक पे कैरियर, कि क्यूसी में क्या कैरियर अच्छा हो सकता है। और मैं पर्सनली, पता है क्या, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम लोग अपने आप को ना एक दायरे में बंद कर रखते हैं कि मर्चेंडाइजर लड़कियाँ हो सकती हैं लेकिन क्यूसी के लिए ट्राई नहीं करते हैं। क्यों, क्या हो गया? आ रहे, एक मिनट एक मिनट। पता है क्या, पर्सनली मैं इन्हें इतना देखा है और मैं ये सोचती हूँ जैसे मर्चेंडाइजर लड़कियाँ बन सकती हैं और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट, ठीक है यार मुझे मर्चेंडाइजर बनना, कोई कुछ अगर मर्चेंडाइजर हो, आप फैक्ट्री के अंदर हो, तो आप ऐसा तो नहीं है कि एक जो हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं ना कि कारीगरों से डील करना होगा, लेबरों से डील करना होगा, तो इसलिए यार उनके बीच में, आप मर्चेंडाइजर हो, आप भी तो पूरे दिन उन्हीं से डील करते हो, तो क्यूसी हो के क्या उनके साथ डील नहीं कर सकते? हमने अपने कैरियर को खुद ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो लड़कियों से रिक्वेस्ट है, लड़के तो क्यूसी, मैंने अब तक 100% देखा है कि लड़के ही क्यूसी के लिए अप्लाई करते हैं, लड़कियां मैंने देखी ही नहीं है अपने पूरे कैरियर में, मैंने एक भी लड़की क्यूसी नहीं देखी है। और मैं चाहती हूँ कि देखना, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे तभी तो कर पाओगे ना। लड़के मर्चेंडाइजर भी बन रहे हैं तो क्या लड़कियां क्यूसी नहीं बन सकती, लड़कियां पैटर्न मास्टर नहीं बन सकती? बन सकती हैं, ट्राई करो, बहुत अच्छा कैरियर है। और लड़कियां बहुत अच्छे से मन लगाए काम करती हैं, ऐसा नहीं लड़के कर नहीं करते, लड़के भी करते हैं बट लड़कियां भी करती हैं, एक बहुत अच्छा क्यूसी बन सकती हैं। तो देखो क्यूसी का बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है, लड़कियों के लिए भी है कि प्लीज़ आप लोग अप्लाई करो, क्यूसी की ट्रेनिंग लो, जो मर्चेंडाइजर की ट्रेनिंग के लिए परेशान हो, आप क्यूसी की ट्रेनिंग लो, क्यूसी के लिए अप्लाई करो, उसकी पढ़ाई करो और क्यूसी का कैरियर सेलेक्ट करो, ठीक है। क्यूसी बनो, क्वालिटी चेकर, आप इसके बारे पहले तो इसका फुल फॉर्म समझो, क्वालिटी चेकर होते हैं जो क्यूसी होते हैं। अब आपको समझाती हूँ क्यूसी क्या करते हैं, ये तो हो गया कैरियर, अब क्यूसी क्या करते हैं। हमारा जो भी सैंपल वगैरह बनता है एक फैक्ट्री के अंदर, क्या होता है, सैंपल बनते हैं कपड़े की स्टिचिंग की, ठीक है, सैंपल बनते हैं। तो जो सैंपल बनता है ना, इनिशियली क्या होता है, उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है ना कि बायर ने क्या मांगा है, क्या चाहिए उसको, उसका मेजरमेंट क्या है, स्पेक्स क्या है, उसकी हर एक चीज़ लुक ठीक है कि नहीं, उसका डमी वगैरह पे उसका हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है,
कि उसकी बैलेंसिंग ठीक है कि नहीं। इतना प्रॉपर तरीके से हर एक मर्चेंडाइजर तो नहीं कर सकता है ना, क्योंकि मर्चेंडाइजर के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोड होता है कि मर्चेंडाइजर एक एक पीस को इस तरीके से खड़े होकर प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकता। ठीक है, मर्चेंडाइजर को ये सारी चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छे से नहीं आती हैं, डिपेंड करता है मर्चेंडाइजर टू मर्चेंडाइजर। ठीक है, जो हमारे मर्चेंट होते हैं उनको आती है, सबको नहीं आती है, जिसने काम किया है, जिसको ज़रूरत है, जो मतलब सीखना चाहते हैं उनको आती है, लेकिन जो क्यूसी होता है, तो फिर मर्चेंट क्यूसी क्या होता है कि सैम्पलिंग बन गया, क्यूसी काम होता है सैम्पलिंग में भी चेक करते रहते हैं कि भाई ठीक है, ये सैम्पल लगा हुआ है, सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो उनके पास हम जब भी कोई स्पेक शीट वगैरह बनती है हमारी, तो हम जैसे आती है बाहर से, तो स्पेक शीट एक हमारी क्यूसी के पास भी हम देते हैं। जैसे हमारा सैंपल बना, सैंपल के साथ क्या होता है, स्पेक शीट, सैंपल का जो जो प्रीवियस वाला स्पेक शीट होता है, जो लेटेस्ट वाला होता है, पुराना सैंपल, लेटेस्ट वाला जो सैंपल बना है वो सैंपल, वो सारी सब कुछ हम लोग क्यूसी को हैंड ओवर करते हैं। क्यूसी देख के बताते हैं किसकी हैंड फिल कैसी है, बायर को हैंड फिल कैसी चाहिए, और फिर वो सारी चीज़ों को एक बार गो थ्रू करता है कि नहीं, इसमें क्या करता है कि पहले क्या था, बायर को क्या चाहिए, अब क्या बन के आया है, वो सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं, उनकी फैब्रिक में डिफेक्ट वगैरह तो चेक कर करता है, क्यूसी का भी फ़र्ज है कि वो हर एक चीज़ अच्छे से चेक करें, वो करते हैं, और साथ के साथ उसका मेजरमेंट वगैरह, डमी पे फिटिंग ज़रूर वो चेक करते हैं। क्यूसी को इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए जो अभी इनिशियली कर रहे हैं, जो इसमें हैं अभी न्यू, कि उसको हर एक सैम्पल मेजरमेंट थोड़ा 19-20 अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गारमेंट का क्या क्या होता है, जब बायर के पास जाता है ना, बायर मेजरमेंट तो देखता है, उसको पीस को फ्लैट करके मेजरमेंट बायर बड़ा रेयरली लेता है, वो अपनी जो उनकी मॉडल होती हैं, उनकी जो डमी होती है उसके ऊपर वो बैलेंसिंग चेक करते हैं। तो इसीलिए जो क्यूसी है उसका मेन पहला काम होता है कि उसकी बैलेंसिंग आप ज़रूर चेक करो, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी हैंड फील जरूर देखो कि हार्श है, सॉफ्ट है, बायर को कैसा रिक्वायर्ड है, उसकी हर एक चीज़ अच्छे से चेक करनी चाहिए जो क्यूसी होते हैं। ठीक है, और रही बात ये सारी चीज़ें मेजरमेंट वगैरह, स्पेक शीट, लेबल की प्लेसमेंट वगैरह, ये तो मर्चेंडाइजर ही बताते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि ये सारी सब कुछ मर्चेंट भी बताते हैं, साथ में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, बट क्यूसी हर एक चीज़ प्रॉपर, अगर क्यूसी को लग गया कि ये सैंपल बायर के पास जाने लायक नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, तो क्यूसी उस पीस को रोक देगा, नहीं जाने देगा आगे। मर्चेंडाइजर कितना भी बोल दे कि नहीं मुझे जाना है, मेरा पीस जाना है, तो ये फिर उसकी मर्चेंडाइजर का रिस्क होगा कि अपने रिस्क पे भेजो, क्यूसी ने अगर मना कर दिया तो उसमें उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। क्यूसी जब भी कोई काम करता है, मेजरमेंट अगर क्यूसी ने चेक किया है तो वहाँ पे स्पेक शीट पे वो साइन जरूर करेंगे कि मैंने किया है, कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, कितनी आ रही है, क्या सही है, क्या गलत है, वो हर एक चीज़ वहाँ पे नोट करते हैं, उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो क्यूसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरियर रोल है, अगर लड़कियाँ भी चाहें तो इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। और रही बात अगर आप ये जानना चाहोगे कि क्यूसी का जो होता है, क्यूसी देखो एक्सपोर्ट हमारी गारमेंट की इंडस्ट्री में जो होते हैं क्यूसी, सैम्पलिंग के क्यूसी होते हैं, ठीक है, और बाइंग ऑफिस क्यूसी, लड़कियां ना खास करके बाइंग ऑफिस में भी आप क्यूसी के लिए, क्यूसी जो बाइंग ऑफिस का होता है, देखो जो हमारे फैक्ट्री का जो क्यूसी हुआ तो हमारे सैंपल को चेक करके रख लिया, ठीक है, अब वो अगर आपका जो ऑर्डर है वो बाइंग ऑफिस के थ्रू है, तो बाइंग ऑफिस का मेन क्यूसी जो होता है, उसकी मर्चेंट नहीं, उसका जो क्यूसी होता है, फिर अगर आप सैंपल बाइंग ऑफिस भेजोगे तो उनके यहाँ भी क्यूसी होते हैं, जैसे बाइंग ऑफिस में मर्चेंडाइजर होते हैं वैसे ही बाइंग ऑफिस में क्यूसी भी होते हैं। ठीक है, जब आपने अपने सैंपल भेजोगे बाइंग ऑफिस में, तो उनका जब मर्चेंट सिर्फ पैकेट उठाएगा और अपने क्यूसी को दे देगा, क्यूसी फिर वो देखता है कि हमारा पीस कैसा है, फिर हमारी आपस की डीलिंग ख़त्म हो गई, फिर क्यूसी एक क्यूसी से बात करेगा, एक्सपोर्टर का क्यूसी और आप बाइंग ऑफिस का क्यूसी दोनों एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या 19 है क्या 20 है, अगर उनको प्रॉब्लम लगा तो क्यूसी को बुलाते भी हैं, भैया आ जाओ ये क्या बनवाया, फिर क्यूसी क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नहीं, हमने सैंपल बनवा के दे दिया, सारी चीज़ें कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम आई सब कुछ कर दिया, वो सारा सब चीज़ को करेक्ट कराना क्यूसी का काम है, गलत चीज़ नहीं जा सकती।
तो क्यूसी का क्या है कि देखो क्यूसी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें ज़रूर जाओ। मर्चेंडाइजर तो अब बहुत लोग बनते जा रहे हैं, मर्चेंडाइजर की भरमार हो चुकी है। लेकिन क्यूसी, पैटर्न मास्टर, कैड मास्टर, ये सारे बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग जाओ, लड़कियों के लिए खास करके, लड़के तो है ही हैं इस फील्ड में सबसे ज़्यादा, 99% लड़कियाँ हैं। प्लीज़ जाओ, कैरियर बनाओ। मर्चेंडाइजर हो तो भी तो आप उन्हीं लोगों से डील कर रहे हो, तो पैटर्न मास्टर बन जाओगे, क्यूसी बन जाओगे, तो उन लोगों से डील करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो जाओ, निडर होके जाओ और देखो, बहुत अच्छा। और आपको ना लड़कियां, जब कहते हैं ना कि अब जहाँ 10 लोग होंगे वहाँ पे एक फीमेल लड़की होगी, तो लोग कितना अप्रिसिएट करेंगे कि यार इसकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, इसने इसमें कैरियर बनाया है, ठीक है? तो जाओ निर्भीक होकर के, खुशी खुशी जाओ और अच्छे से प्लान करके। क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमारी एक मैडम थी जो हम लोग को पैटर्न वगैरह सिखाती थी, जो क्यूसी का काम करती थी, बहुत, मतलब जब हम लोग कॉलेज में थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो सब चीज़ें करती थी। तो हम नहीं कर पाए, नहीं मर्चेंडाइजर की तरफ ही चले गए, लेकिन अपने काम के दौरान ये समझ आया कि नहीं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो बनो और बहुत अच्छा लगेगा आपको एकदम। और अगर रही बात इसके इंटरव्यू में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, आप समझ लो कि आपका काम क्या है। वो इंटरव्यू में कर देंगे कि कमेंट वगैरह शीट दे देंगे, ठीक है? कमेंट की शीट दे देंगे, बोलेंगे बाहर आप इसका मेजरमेंट करो, ठीक है? मेजरमेंट कौन सी चीज़, हाउ टू मेजर, कहाँ से कहाँ की जाती है, ठीक है? और ये सारी मेजरमेंट तो क्यूसी से कराएंगे ही कराएंगे। कमेंट दे देंगे, बोलेंगे कि बायर ने क्या इसमें रेक्टिफिकेशन मांगा है, आप इसको करके दिखाओ, बताओ, मतलब कहाँ पे क्या चेंजेस बायर को चाहिए। तो ज़्यादातर क्यूसी का से यही सारी चीज़ें उसको बोलेंगे कि कोई सैम्पल दे देंगे, बोलेंगे कि इसको डमी पे पहनाओ और इसकी बैलेंसेस चेक करके बताओ कहाँ से सही है, पीस या गलत तो नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो क्यूसी से यही सारी चीज़, क्योंकि क्यूसी का मेन काम यही होता है, तो यही सारी चीज़ें उनसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, ठीक है? और कोई मर्चेंडाइज से रिलेटेड नहीं उनको क्या? अच्छा ठीक है, अभी आ रहे बेटा। तो क्यूसी से यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, उनको कमेंट शीट दे देंगे, उनको मेजरमेंट करने के लिए दे देंगे, बोलेंगे कैसे मेजर करना है, क्या करना है, इसको आप बताओ। अगर आप फ्रेशर है तो भी इतना तो करेंगे ही कि नहीं जी आप इसको मेजरमेंट करके बताओ, डमी पे दिखा के बताओ इसमें क्या बायर को चाहिए क्या नहीं है। और कोई सैंपल दे देंगे, उस बोलेंगे इसमें चेक करो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, बाकी कुछ अलग से नहीं होगा। इंग्लिश वगैरह पूछेंगे, आप कमेंट पढ़ पा रहे हो कि नहीं, बायर ने जो कमेंट चाहिए वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कि बायर कहना क्या चाह रहे हैं, जो लैंग्वेज है उसकी, तो इसी सारी चीज़ों के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो चलो इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपका, मेरा जो समझाने का तरीका था क्यूसी के बारे में, इसका क्या इम्पोर्टेंस रोल है एक फैक्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर, वो समझ आया होगा। और क्यूसी का कैरियर, एक मिनट होल्ड डाउन, क्यूसी का कैरियर सिर्फ इंडिया ही नहीं, क्यूसी का कैरियर इंडिया के बाहर बहुत अच्छा कैरियर है। हमारे इंडिया में तो है ही है, इंडिया के बाहर जो हमारे इंटरनेशनल बायर होते हैं वहाँ पे जो क्यूसी है ना वो मेन होता है, और क्यूसी की सैलरी मर्चेंडाइजर से कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है? तो आप लोग अपने कैरियर, नहीं बेटा ये नहीं करो, तो चलिए फ्रेंड्स आ गया है मेरे बच्चे, एकदम थोड़ी थोड़ी देर में आ जाते हैं, जैसे होता है ना कि एक ओ देखो, हाय, ये देखो इसने कैसी टोपी लगाई है। तो हमारे बच्चे ना बिल्कुल ऐड की तरह बीच बीच में आते रहते हैं, जैसे जब कोई चीज़ चलती है तो बीच में ऐड आता है, तो मेरे बच्चे भी आते थे, ढूंढते रहते हैं मम्मा कहाँ गई। तो चलो इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियोस और चाहते हो, या मेरे लिए कोई सजेशन हो, मैं ज़्यादा चिक चिक पक पक या फिर मैं अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छे से नहीं समझा पाती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।